हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम विधि है और मेरे चैनल का नेम है इंडियन मेकअप एंड मोर। एंड आज का जो वीडियो है वो एक रिव्यू वीडियो है। ये जो रिव्यू वीडियो है वो इस पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल पे है। ये न्यूली लॉन्च्ड हुआ है और बाबा रामदेव का जो पतंजलि का जो प्रोडक्ट्स है बहुत अच्छे हैं। सब पहले जो इसका एलोवेरा जेल था वो ये ग्रीन वाला था, जो कि आप बहुत डिफरेंट फेज में यूज़ कर सकते हो, हेयर्स के लिए, स्किन के लिए, स्किन केयर के लिए। बट ये वाला जो नया लॉन्च हुआ है ये स्पेशली आपके स्किन के लिए है, पिंपल्स के लिए है। मैं जो है इसका रिव्यू करूँगी, प्लस इन दोनों का डिफरेंस बताऊँगी, प्लस मैं आपको ये भी बताऊँगी मेरे टॉप 5 वेज, लाइक माय टॉप 5 वेज मैं कैसे यूज़ करती हूँ इसे। तो मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 15-20 डेज़ हो गए। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये वाला जो पतंजलि एलोवेरा जेल है वो इससे बेटर है। तो सबसे पहले पैकेजिंग पे आते हैं। पैकेजिंग अच्छी है, टाइट है, जैसे पतंजलि की पुरानी वाली पैकेजिंग थी बिल्कुल वैसी ही है ऑलमोस्ट। जो इसका जो टेक्सचर है, टेक्सचर जो है जेल की तरह ही है पर येलो कलर में है, थोड़ा गोल्ड टाइप का कलर है। और जो इसका प्राइस है वो ये 50 रुपीज़ का था। 60 ml प्रोडक्ट्स के लिए आपको 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। एलोवेरा जेल स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और एलोवेरा जेल अगर आप यूज़ करते हो तो आपके पिंपल्स के स्कार्स कम हो जाते हैं, स्किन ग्लोइंग हो जाती है, प्लस रिंकल्स कम हो जाते हैं। केसर और चंदन भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे बेनिफिट्स डाल दूँगी केसर और चंदन के, आप चेक कर लेना। इसके अंदर जो की फीचर्स, इनके इसके अंदर जो की इन्ग्रीडियंट्स इन्होंने बोल रखा है कि एलोवेरा जेल है, केसर है और चंदन है, और यहाँ पर सारी डिटेल्स गिवन है। ये वाला एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है अगर आपकी स्किन ड्राई है। जो पहले वाला एलोवेरा जेल था, अगर मैं उसे डायरेक्टली यूज़ कर लूँ तो उससे मेरी स्किन जो थी ड्राई हो जाती थी, बट मैं इसे डायरेक्टली अपने फेस पे यूज़ कर सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है एंड प्लस विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर्स के लिए बहुत ही अच्छा एलोवेरा जेल है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इस वाले एलोवेरा जेल को यूज़ कर सकते हो। एंड इवन आप ये वाला एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो सौंदर्य वाला, क्योंकि नेचुरल है एंड प्लस ये इतना ग्रीसी नहीं है, स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ ड्राई स्किन के लिए है, हर स्किन टाइप का इंसान इसे यूज़ कर सकता है। जैसे अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप यूज़ कर सकते हो, ऑयली है तो भी आप यूज़ कर सकते हो। आप इसे डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो ये वाला एलोवेरा जेल है वो इससे बेटर है। क्यों? क्योंकि जब मैं वाला एलोवेरा जेल, मेरे को बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत ही अच्छा, मैं इसे हर चीज़ में यूज़ करती हूँ। बट जब मैं इसे अपने स्किन के लिए, स्पेशली जब फेस के लिए इसे यूज़ करती हूँ तो मेरी स्किन ड्राई साइड पे है। मेरी एक्चुअली स्किन कॉम्बिनेशन है, ये जो टी जोन एरिया है ये ऑयली और चीक एरिया बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, तो मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं जो मेरी स्किन के साथ अच्छे से, मुझे चीज़ों को देख के यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं कुछ ऐसा यूज़ करूँ जो मेरी स्किन को मैटिफाई कर दे तो मेरा जो चीक एरिया है पूरा ड्राई हो जाता है, और अगर मैं कुछ ऐसा यूज़ करूँ कि मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करूँ तो मेरा टी जोन एरिया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जिससे मेरे को एक्नेज होने लग जाते हैं। तो एनीवेज, ये वाला जो पतंजलि का जो ये ग्रीन वाला, जो यानी क्लासिक एलोवेरा जेल जो है ग्रीन वाला, इसको आप अपने हेयर केयर में किसी भी DIY में यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इफ़ यू वांट मी टू डू अ डिफरेंट वीडियो ऑन हाउ आई यूज़ पतंजलि एलोवेरा जेल, आप नीचे कमेंट कर दो, मैं वो वीडियो भी बना दूँगी। और यहाँ पे ये वाला पतंजलि का जो ये फेस, ये जो पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल है, ये सिर्फ आप फेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, अपने बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अच्छा है, मॉइस्चराइजिंग है। विंटर्स में तो स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो
आपको इसको बताती हूँ कि आप इसे किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैं अभी इसे तो 5 तरीके से यूज़ कर रही हूँ। जो सबसे पहला मेथड है वो ये है कि मैं इससे ये एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं इससे अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ। सेकेंड मेथड जो है वो फेस पैक की तरह है। आप इसे अपने फेस पे थिक लेयर में लगा दीजिए और 20 मिनट्स तक छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप अपना फेस वॉश करोगे आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत ग्लोइंग हो जाएगी। थर्ड मेथड जो है उसमें आप इसे एज अ मसाजिंग क्रीम यूज़ कर सकते हो, एज अ मसाजिंग जेल यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल अपने फिंगर्स पे लीजिए और आप मसाज करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पे वीडियो डाल दूँगी, यहाँ पे साइड में छोटा सा डेमो भी डाल दूँगी। तो उससे जो है स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग करने लगती है। फोर्थ वे जो है आप इसे एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हो। मेकअप अप्लाई करने से पहले आप इसे अप्लाई कर लो, इससे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपका मेकअप पैची नहीं लगेगा और ज़्यादा देर तक स्टे करेगा। जैसे अगर आप मेरी पहले से वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं पतंजलि एलोवेरा का जो जेल है उसे एज अ प्राइमर यूज़ करती हूँ, बट जब से मुझे ये मिला है मैंने इसको यूज़ करना छोड़ दिया है। मतलब मैं इसे अभी अपने फेस के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसे फेस पैक बनाने के टाइम पे यूज़ करती हूँ या कोई जब हेयर रेमेडीज या कुछ भी मैं हेयर पैक्स बना रही हूँ तो मैं इसे यूज़ करती हूँ, बट अब मैं इसे अपने फेस के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। फिर जो पांचवा तरीका है वो ये है कि आप इसे अंडर आई क्रीम की तरह भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत मॉइस्चराइजिंग है। तो इसको आप एज अ आई क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। And you can follow me on Snapchat, on Instagram, and all the details are given in the description box. Thanks for watching. Bye.